दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं द्वापर युग का ऐसा एक अद्भुत योद्धा के बारे में जिनके युद्ध कौशल को देखकर द्रोणाचार्य, अर्जुन और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भी चौंक गए थे। दोस्तों एक बार रात के समय में अर्जुन गुरु द्रोण के आश्रम में शब्द भेद बाणी को प्रयोग करना सीख रहा था, तभी तो अर्जुन किसी को जंगल की ओर भागते हुए देखता है। अर्जुन उसके पीछे पीछे घोर जंगल में चले जाता है, जहाँ उन्होंने गुरु द्रोण का प्रतिमा देखकर चकित हो जाता है। अर्जुन उस बालक को पूछता है, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तब उस बालक बताता है कि मेरा नाम एकलव्य है, मैं तुम्हें सब भेद बाणों का अभ्यास करते हुए देखा हूँ। बाकी आप निराश मत होइए, आप एक दिन जरूर सीख जाएंगे जैसे मैंने सीखा है। अर्जुन पूछता है, तुम ये विद्या कहाँ से सीखे हो और तुम्हारा गुरु कौन है। एकलव्य बताता है, गुरु द्रोणाचार्य मेरा गुरु है। दोस्तों अर्जुन एकलव्य की बातों पर संदेह करता है और बोलता है, अगर तुम सब भेद बाणों को प्रयोग करना जानते हो तो साबित करके दिखाओ। उस समय जंगल में एक कुत्ते का भूकने का आवाज सुनाई दे रहा था। एकलव्य अपनी तीर चलाकर कुत्ते के मुंह को ही बंद कर देता है। ये सब देखकर अर्जुन चौंक जाता है और गुरु द्रोण भी चकित हो जाते हैं, क्योंकि जो सब भेदी बाणों को अभी तक अर्जुन समझ नहीं पाया, उसको एकलव्य सिर्फ दूर से देख देख कर इतना सब हासिल कर लिया है। क्योंकि गुरु द्रोण सिर्फ अर्जुन को दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का संकल्प लिए थे। गुरु द्रोण सोचते हैं, अगर एकलव्य का पराक्रम इस प्रकार रहेगा तो अर्जुन कभी भी श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सकता है। दोस्तों फिर द्रोणाचार्य छल से एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगते हैं। गुरु द्रोण बोलते हैं, एकलव्य मुझे तुम्हारे राइट हैंड की अंगूठा चाहिए। दोस्तों बिना देरी किए खुशी से एकलव्य अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दक्षिणा स्वरूप भेंट कर देता है। दोस्तों ऐसे माना जाता है कि एकलव्य की अंगूठा काटने के बाद भी अपनी चार अंगुलियों से धनुर्बाण चलाने में इतनी परफेक्ट था कि उसको हराना ना अर्जुन के लिए संभव होता ना कर्ण के लिए संभव होता। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि अर्जुन अपने दिव्यास्त्र कर्ण अपने कवच कुंडल के लिए श्रेष्ठ धनुर्धर थे। ऐसा भी माना जाता है कि एकलव्य मगध नरेश जरासन की ओर से कई बार मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज चार अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हुआ, जिसमें वासुदेव श्री कृष्ण के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण के हर अस्त्र का कार्ड एकलव्य के पास था। आखिर में श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य का वध कर देते हैं। दोस्तों एकलव्य, घटोत्कच, बर्बरिक ये लोग कुछ ऐसा योद्धा थे जिनके शक्ति महाभारत युद्ध के किसी भी महारथियों के पराक्रम से कम नहीं था। दोस्तों अगर एकलव्य महाभारत युद्ध में भाग लेता था युद्ध का परिणाम क्या होता, कमेंट्स में जरूर बताना। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।